नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली में बुधवार की तुलना में बृहस्पतिवार को कोहरा फिर बढ़ा है और इससे दृश्यता का स्तर कम यानी 200 मीटर तक दर्ज किया गया है और अलबत्ता दिन का तापमान और गिर गया है। आपको बता दें कि अब बृहस्पतिवार का दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा और वहीं सीकर में आज लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो विजिबिलिटी करीब 40 से 50 मीटर रही है और हालांकि रात के पारे में 1.5 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं शीतकालीन असर भी देखने को मिला है, शीतलहर का असर भी लगातार जारी है और मौसम विज्ञानकों के अनुसार बताया गया है कि शिखर में 26 दिसंबर का तापमान में उतार जो चढ़ाव है वो बना रहेगा और इसके साथ ही शिखर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है और जबकि इससे पहले गुरुवार को यहाँ न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री था और केंद्र के मुताबिक जिले में फिलहाल नॉर्थ ईस्ट हवाएं एक्टिव हैं और उत्तरी हवाएं के चलने के बाद सर्दी का असर बढ़ेगा। और वहीं जयपुर मौसम केंद्र के रिपोर्ट की माने तो सीकर सहित तो प्रदेश भर में 26 तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कई इलाकों में कोहरा छाया रहेगा और फिर लोकल चक्रवात एक्टिव होने से मौसम में बदलाव आएगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और पारा गिरने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि सूखी ठंड पड़ रही है, बर्फबारी ना होने के कारण सूखी ठंड हो रही है जिससे लोगों की तबीयत और खराब हो सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र के हरचुईया गांव में मानक विहीन सड़क निर्माण मामले में FIR दर्ज हुई है और बीते दिनों ही जूते से उखड़ रही सड़क निर्माण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण हो रहा था और 3.5 करोड़ की लागत से करीब 7.5 किलोमीटर की सड़क बन रही थी और सरकारी धन का दुरुपयोग करने की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है और जेई ने ठेकेदार के खिलाफ इसको लेकर FIR दर्ज करवाई है। तो आपको जानकारी दे रहे थे जहां पर बताया जा रहा है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये भी जानकारी सामने आई है कि इसको लेकर बीते दिनों जूते से ये सड़क का जो वीडियो था वो उखड़ रहा था। वीडियो में बताया जा रहा था कि जो सड़क निर्माण हो रहा था और सड़क को जूते से ही उखाड़ दिया जा रहा था, ऐसी भी जानकारी सामने आई थी। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर झाड़ू लगाई जा रही है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसके साथ ही बताया गया है कि ये जो खबर है वो पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र के हरचुईया गांव के मानक विहीन सड़क निर्माण मामले की है जहां पर अब FIR दर्ज हुई है। बीते दिनों ही जूते से ये उखड़ रही थी सड़क और इसको लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण हो रहा था। बता दें आपको कि 3.5 करोड़ की लागत से करीब 7.5 किलोमीटर की सड़क बन रही थी और सरकारी धन का दुरुपयोग करने की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ और जेई ने ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करवा कर कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें पीलीभीत से खबर है जहां पर लगातार मानक विहीन सड़क निर्माण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सड़क का जो यहाँ पर है बुरा हाल है और इसके साथ ही ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि जूते से ही ये उखड़ने पर सड़क उखड़ जा रही है, इसमें धोखाधड़ी की गई है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ये खबर जो है पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र की है। और इसी खबर पर हमारे साथ पीलीभीत से हमारे सहयोगी प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है ऐसा मामला सामने आया, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी आपको बता दें पूरा मामला ललौड़ीखड़ा ब्लॉक के हरसिया गांव का है जहां पे करीब 7.5 किलोमीटर की एक सड़क का निर्माण जो है बीते माह हो रहा था। वही पिछले हफ्ते एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो गया जिसमें जूते से ही सड़क उखड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद जब वीडियो जब सोशल मीडिया वायरल हुआ तो उसको मामले को संज्ञान में लिया गया। वही पूरे मामले में करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बन रही थी, जो मानक विहीन सड़क बनाई जा रही थी, इसको जब सोशल मीडिया जब वीडियो जब वायरल हुआ तो उसको संज्ञान में लेकर उसमें कार्रवाई की गई। अब बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार है रियाज अहमद, उसके खिलाफ जो है जेई ने जो है
FIR जो है दर्ज कराई है इस पूरे मामले में। जी जी प्रांजल, ये जानकारी है इसमें कि ये जूता अगर पैर से रख दिया जाए तो वो भी सड़क उससे उखड़ जा रही है, इसमें कितना घोटाला किया गया है इसके बारे में विस्तार से बताइए। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से पूरी सड़क बन रही थी जिसमें खाली बजरी डाल दी जा रही थी और उसके अलावा ऐसी मामूली सा कोलता डाल के उसको सड़क का निर्माण किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है पैसे का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, भंडरबाज करने का प्रयास किया जा रहा था। वहीं ग्रामीणों ने जब इस पर आवाज उठाई तो तब जाकर के इसमें मामले को संज्ञान में लिया गया, तब इस पर जो है कार्रवाई जो है प्रशासन द्वारा की गई है। जी प्रांजल, और ग्रामीणों की अगर मांग की बात की जाए तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? उनका कहना साफ तौर से यह है कि सड़क का निर्माण जिस तरीके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जा रही, तो मानक के हिसाब से इस सड़क का निर्माण होना चाहिए। करीब 7.5 किलोमीटर की सड़क है, कई गाँव इससे जो जुड़ते हैं और जो है सड़क का जो ठीक से जो इसका निर्माण किया जाए। हालांकि कई बार इस जनपद की अगर बात किया, जनपद में इस तरीके कई सड़कों के ऐसे मामले संज्ञान में आ चुके हैं जो लगातार जो है इस तरीके के वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल होते चले आए, तो कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन और जो जो ठेकेदार हैं इनकी मिली भगत से जो है सड़कों का मानक भी सड़कों का निर्माण होता चला आ रहा और बंदरबाज किया जा रहा है, पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसी की सिर्फ मांग ये है कि सड़क का निर्माण जो है कायदे से होना चाहिए और मानक के हिसाब से होना चाहिए, उनकी सीधी सीधी यही एक मांग है। जी प्रांजल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको पीलीभीत से खबर बता रहे हैं जहां पर मानक विहीन सड़क निर्माण का ये मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इसमें इतना घोटाला किया गया है कि जूते की वजह से ही ये सड़क के जो बजरी है वो निकलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सहारनपुर में थाना मंडी क्षेत्र पुलिस द्वारा एक शातिर चाणक चोहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिसके विषय में प्रेस वार्ता कर सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया है कि थाना मंडी पुलिस के द्वारा एक शातिर वाहन चोर को सोहेल उर्फ सोहेल को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की गई 6 स्कूटी एक्टिवा के साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। और गिरफ्तार किए गए अभियुक्त सोहेल उर्फ सोहेल ने पूछताछ में यह भी बताया है कि वो अपने साथी शहबान के साथ मिलकर लुधियाना से स्कूटी और मोटरसाइकिल चोरी करके सहारनपुर में बेच देते थे। द्वारा सीओ फर्स्ट अजेंद्र के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। यह एक बहुत शातिर एक्टिवा चोर था, ये मेनली ऑपरेट लुधियाना से करता था। लुधियाना में ही इसने कम से कम पिछली बार 4 एक्टिवा मिली थी, वो भी इसने लुधियाना चोरी करी थी। अब आज 6 एक्टिवा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। लुधियाना और पंजाब की है एक्टिवा और मोटरसाइकिल है, वहां से बरामद की है, वहीं से चोरी करके ये यहाँ पे आके बेच दिया करता था। सर किसको बेचा करता था, कौन लोग इसके साथ और शामिल हैं जो इसका नाम दिया? जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार एक साहिबान नाम का लड़का था, उसको ये बेचा करता था, वो इसकी तरफ से यहाँ पे दूसरे लोगों को आगे बेच दिया करता था, ये उसके टच में रहता था। इसका नाम मोहम्मद सोहेल। सर सहारनपुर के अलग अलग इलाकों से बरामद हुई है? नहीं, इसने एक ही जगह स्टोर की थी, चिलकाना में जिसका पैतृक घर है वहां पे उसने स्टोर कर रखी थी, वहीं से बरामद हुई। इसमें शामिल है या कहीं? अभी पूछताछ की जा रही है, आगे कुछ लीड्स दिखाई। यूपी के फतेहपुर में प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर गुटबाजी सामने आने लगी है, जिसका नतीजा ये है कि एक ओबीसी टीचर को प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगा है। और इस मामले में कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित टीचर के पक्ष में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। और जिला मुख्यालय में मौजूद कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयचंद यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए मांग किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा संघ ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा ओबीसी टीचर फूल सिंह राजपूत के साथ कुछ दिनों पहले गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गया था, क्योंकि शिक्षक संघ के चुनाव में फूल सिंह राजपूत भी दावेदारी कर रहे हैं और इसकी शिकायत पीड़ित ने विभागीय अधिकारियों से किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से हमारे सहयोगी बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू सिंह, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिसको लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। साधु की असोथर ब्लॉक बीआरसी का पूरे मामले में जहाँ पे शिक्षक का चुनाव होना था, शिक्षक संघ का, उसी को लेकर के फूल सिंह लोधी जो टीचर हैं बीआरसी कार्यालय में, इनके साथ इन्होंने, इनका आरोप है कि बताया था कि हमारे साथ अभद्र, बंद कमरे में इनके जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और उसी के साथ इनके साथ साथ गाली गलौज का भी और मारपीट का मामला इन्होंने आरोप लगाते हुए बताया था। उसी को लेकर राष्ट्रीय मोर्चे के जो संघ है ये उन्होंने आज ज्ञापन दिया है कि बताया है कि हम अगर ऐसा अगर नहीं होता है तो हम आगे कार्रवाई कराएंगे, धरने पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। जी, अब बबलू सिंह, ये आंदोलन कब से चल रहा है, कब की ये घटना है और ये जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इसको लेकर अब आगे की क्या कार्रवाई रह सकती है? जी, मैं बता दूं कि ये जो टीचर है फूल सिंह लोधी, इन्होंने पहले भी ज्ञापन दिया था और ज्ञापन देने के बाद, शिकायती पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई, कई ऐसे संगठन है जो सामने आए और ओबीसी का जो संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वो भी सामने आ रहा है और बताया है कि ऐसा मामला सामने आया और हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम जैसा हमारे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा वैसे हम लोग काम करेंगे। जी बबलू सिंह, ये आंदोलन कब से चल रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। जी, ये कल इन्होंने धरने के माध्यम से ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को। जी, अब पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई है बबलू सिंह? अब पुलिस प्रशासन इस पे अभी कोई टीचर के माध्यम से अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है, अगर ऐसा था सिर्फ विभागीय कार्रवाई, इन्होंने बोला है कि विभागीय कार्रवाई चाहते हैं। ये पूरा मामला जुड़ा हुआ चुनाव का से जुड़ा हुआ बीआरसी असोथर रहता है। जी बबलू सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको फतेहपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर टीचर के साथ ब्लॉक अध्यक्ष ने गाली गलौज की है, जिसको लेकर अब बवाल होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने अब इसको लेकर एक आंदोलन छेड़ दिया है। यूपी के श्रावस्ती जिले के गिलोला थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मृतक की जेठानी के भाई ने मृतक की हत्या की थी। बता दें आपको कि मृतक को घर में अकेली पाकर उसके साथ छेड़खानी की नियत से ही घर में घुसा था और आरोपी और छेड़खानी करने के दौरान विरोध करने पर मृतका की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल 3 दिन पूर्व गिलोला थाना क्षेत्र के गुटहरू गांव निवासनी एक महिला की हत्या कर दी गई थी और महिला का शव उसी के कमरे में खून के लथपथ पड़ा मिला था। आपको बता दें कि महिला के सर पर ईंट से कई बार किए हुए थे और सुबह जानकारी होने पर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंचे एसपी अरविंद कुमार मौर्य ने बताया है कि घटना का अनावरण करने के लिए क्राइम ब्रांच सहित पुलिस की 3 टीमें लगाई गई थी और जिसका आज एसपी ने खुलासा कर दिया है। बता दें आपको कि एसपी अरविंद कुमार मौर्य ने बताया कि आरोपी सुनील कुमार तिवारी मृतका की जेठानी का सगा भाई है और इसने मृतका को घर में अकेली पाकर बदनियती के इरादे से घर में घुसा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। मृतका द्वारा विरोध करने पर और शोर मचाने पर आरोपी ने ईंट से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने मृतका के सिर पर ईंट से कई वार किए थे और पुलिस ने आरोपी के खून से सने कपड़े और आला कत्ल ईट भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना गिलोला क्षेत्र के एक गांव में 3 दिन पूर्व एक महिला का, जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी, उनका शव मिला था उन्हीं के कमरे में, जिस पे शव पे सिर पे चोट के निशान भी थे। उस घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो मृतका की जेठानी का सगा भाई है। उसके द्वारा उस दिन वहाँ पहुँच के, घटना के दिन वहाँ पहुँच के उनसे कुछ आपत्तिजनक हरकत की गई, जिनका उन्होंने विरोध किया था और चिल्लाने की बात कही, इस पर जो है इसके द्वारा हत्या की गई। घटना के दिन जो इसके द्वारा कपड़े पहने गए थे अभियुक्त के द्वारा, वो भी बरामद किया गया है, जिस पर उनके निशान भी हैं।
श्रावस्ती पुलिस को कामयाबी मिली है। दरअसल आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। कई दिनों से पुलिस से आंख मिचोली कर अभियुक्त फरार चल रहा था। मॉडर्न थाना श्रावस्ती क्षेत्र के अमारे भोरिया गांव का निवासी फरार बताया जा रहा था और लोटस होटल के समीप तिराहे पर थाना इकोना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आरोपी को और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो उन्नाव आपको बता दें कि इसको लेकर श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर श्रावस्ती पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है और कई दिनों से पुलिस से आंख मिचोली कर अभियुक्त जो था वो फरार चल रहा था। मॉडल थाना श्रावस्ती क्षेत्र के उमारे भोरिया गांव का ये निवासी बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि लोटस होटल के समीप तिराहे पर थाना इकोना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और जानकारी मिली थी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। उन्नाव में एक दिन से लगातार रुस्तम स्लाटर हाउस में आईटी की रेड जारी है। आईटी विभाग के 15 से 20 अफसर दस्तावेज खंगाल रहे हैं। एचआर मैनेजर अकाउंट विभाग से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही थी और बता दें आपको कि स्लाटर के ही टर्नओवर का बैंक खातों से मिलान हो रहा और अब तक की जांच में बड़ी टैक्स चोरी के परिणाम मिले हैं और इसके साथ ही रुस्तम स्लाटर हाउस पर आईडी की रेट अभी भी जारी रही है और दही थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रेरिया में संचालित बताया जा रहा है कि ये स्लाटर हाउस संचालित है, जहां पर छापेमारी की जा रही है और बड़ी जानकारी यह है कि अफसरों के अब दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आईटी की रेट जारी है। चांदपुर में कई समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रांगण में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एसडीएम रितु रानी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें आपको कि बिजनौर जनपद में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जिले में जिला प्रशासन द्वारा स्थायी गौशालाओं का निर्माण कराया गया है, जिसमें सैकड़ों पशुओं को रखा गया है, लेकिन पशुओं की बढ़ती संख्या किसानों का सरदर्द बन गई है और लगातार किसानों की लहराती फसलें हैं वो बर्बाद होती जा रही हैं और साथ ही गन्ने का दाम घोषित होने वाली जैसी कई समस्याओं को लेकर चांदपुर तहसील प्रांगण में राष्ट्रीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गौतम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिला स्तर पर सभी अधिकारियों को किसान अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। यदि यही हाल रहा तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये उद्देश्य चांदपुर तहसील प्रांगण में जो आज धरने चल रहे हैं, ये इसका उद्देश्य जो किसान विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं उनके निवारण के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। वो समस्याएं हैं अपनी, जैसे कि आवारा और ये छुट्टा पशु हैं, इनसे निजात दिलाई जाए। क्या है, क्या आवारा पशुओं से लगातार किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और लगातार बिजनौर में भी अस्थायी गौशालाएं हैं, उसमें पशु भी हैं, भेजे भी जा रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी संख्या लगातार इनकी बढ़ रही है। लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है और लगातार ही प्रशासन स्तर पर इस चीज़ों को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन किसानों की कोई मदद नहीं हो रही है। लगातार आवारा पशु छूट रहे हैं और उनको गौशाला या जो नंदीशाला इन लोगों ने बनाई है उसमें ले जाने का कोई कार्य शासन स्तर से नहीं किया। काशगंज जनपद के गंजर डुडवारा कस्बा निवासी युवा पत्रकार संजय दीक्षित के आकस्मिक निधन पर गंज डुंडवारा कस्बे में मौजूद बाग पंचायती में शोक सभा हुई है और जिसमें पत्रकारों ने अपने दिवंगत साथी श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की है। बता दें आपको कि पत्रकार संजय दीक्षित का दिल्ली में मौजूद सफदरगंज हॉस्पिटल में ही इलाज के दौरान बुधवार की रात्रि को निधन हो गया और आज बता दें आपको इसको लेकर भी शमशान में मौजूद मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार कल किया गया था और शोक सभा में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और इस दौरान शिवशंकर गुप्ता और इसके साथ ही
जुम्मन कुरैशी, अनिल राठौर, गौरव गुप्ता और सत्यप्रकाश राठौर, शकील झंकार, गोपाल गुप्ता अजमेरी और वसीम सहित अन्य पत्रकार साथी मौजूद रहे। एटा जिले के सिद्धपुरा थाना अंतर्गत 16 साल पूर्व पहलोई और लाइटन के गांव ही समीप सुरेंद्र इंट भट्टे पर हुए पुलिस एनकाउंटर में राजा राम पुत्र भगवान दास शर्मा की मौत हो गई थी और मामले में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने एनकाउंटर फर्जी मानने हुए हत्या के अपहरण पर हत्या के आरोप में सिद्धपुरा थाने में ही तैनात तत्कालीन थाना अध्यक्ष पवन सिंह सहित 9 पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए सजा बरकरार कर दी है। मंगलवार को गाजियाबाद की सीबीआई न्यायालय के विशेष न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है और 16 साल पूर्व थाने में तैनात दरोगा अजंट सिंह और सिपाही राजेंद्र के अनुसार द्वारा बनाई गई झूठी कहानी पर यह कार्रवाई की गई। अब और कुछ इस तरह दर्शाई गई थी यह कहानी कि पुलिस ने अपनी ही ये कहानी रची थी और बताया था कि सिद्धपुरा धूमरी मार्ग पर दरोगा अपने हमराही राजेंद्र के साथ गश्त कर निकले थे और 16 साल बाद मृतक राजा राम के परिजनों को न्याय की जो मांग थी वो मिल चुकी है और मृतक राजा राम की पत्नी संतोष कुमारी और बेटे सहित मोहित नाम के बेटे के ने समाज में ही रक्षक की भूमिका अदा करने वाली भक्षक बनी पुलिस के सीबीआई के विशेष अदालत से फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर पर भी सवाल या निशान उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर पर रोक लगाई जाए जिससे कि गरीब और निर्दोष परिवार का इस तरह से बुरा हाल ना हो। राजा राम से जे मैटर था पीपल अड्डे काम करते थे हम लोग और राजेंद्र सिपाही था पटियाली गेट चौकी पर। तो राजेंद्र ने कुछ फर्नीचर बनवाया था, फर्नीचर के पैसे नहीं दिए तो राजा राम ने हम लोगों ने दरोगा से शिकायत करी दरोगा जी से। तो दरोगा जी की शिकायत करने पर राजेंद्र खिसिया गया था। फिर राजा राम सिड़पुरा काम करने चला गया। थोड़े दिन बाद राजेंद्र की वहाँ ड्यूटी पड़ गई जाकर सिड़पुरा थाने में, इस चक्कर में उसने मार दिया था। हम चार पांच लोग जा रहे थे रिश्तेदारी में, तो रास्ते में रोक लिया हमको, रोक के राजा राम को ले आए। हमने कोशिश की पूछने की तो कह दिया था पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। हम थाने पहुंचे तो बोले हम छोड़ देंगे। सुबह जब पहुंचे तो सुबह बोले अगर छोड़ दिया हमने और बदतमीजी पेश आए हमसे। आगे बार ढूंढा खकोरी करी तो फिर पेपर देखा था, उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वो था, वो पेपर देगा था, इसमें पहचाना। जब फिर थाने गए तो इन लोगों ने भजा दिया गाली गलौज करके हमको। जी, जो हमारे भैया को पुलिस कर्मियों द्वारा मारा गया है, उनके मुखिया सास की बेटी वहाँ पहलोई में ब्याही थी तो उनकी तबीयत खराब थी। तो हम और हमारे बड़े भाई शिव प्रकाश और पप्पू और राजा राम भैया और उनकी वाइफ और हम चारों लोग उन्हें देखने के लिए जा रहे थे। सिड़पुरा से पहलोई लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी है। उस समय 2006-18 अगस्त की ये घटना है। कोई वाहन नहीं मिला था, शाम का टाइम था, तो हम लोग पैदल जा रहे थे। तो जैसे ही हम तईपुर भट्टा पड़ता है, वहाँ एक तईपुर गांव के समीप भट्टा पड़ता है, तो वहाँ पहुँचे ही थे पैदल पैदल। तो वहाँ एक पहले बाइक आती है पुलिस वालों की, 2 पुलिस वाले थे, उसके पीछे एक कार थी जीप। तो उन लोगों ने उसे रोका और भैया को बोला कि राजा राम, तो उन्होंने बोला हाँ कि यहाँ आओ यार, तुमसे काम है हमें। तो उन्होंने कहा कि हम अभी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, बाद में मिल लें आपसे, कि नहीं अभी आपकी आवश्यकता है। तो उन्हें बिठा लिया। बड़े भैया ने जब पूछा उनसे कि क्या बात क्या था, क्यों हमारे भाई को ले जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि कुछ फर्नीचर का काम कराना है हमें थाने में, इसके लिए ले जा रहे हैं और अभी हम 10-15 मिनट में छोड़ देंगे। संबल में कारोबारी के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है और फर्म कारोबारी के कई प्रतिष्ठानों पर आईटी विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय पुलिस बल के साथ इनकम टैक्स की टीम ने यह छापेमारी की है। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी संबल सदर की मोहल्ला कोर्ट पूर्वी में मौजूद साहनी वाले फाटक पर में था और फर्म कारोबारी परवीन रस्तोगी उर्फ गोपाल के यहाँ पर यह छापेमारी हुई और जानकारी के अनुसार परवीन रस्तोगी की यूपी के अलावा दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में
फार्म है और इसको लेकर बड़े फार्म कारोबारी माने जाने वाले परवीन रस्तोगी के यहाँ छापेमारी में कारोबारियों में हड़कंप मच गया हुआ है और इसी के साथ छापेमारी इतने गुपचुप तरीके से हुई है कि स्थानीय अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं केंद्रीय पुलिस बल के साथ ही की गई छापेमारी से स्थानीय लोग भी कुछ कह पाने से बच रहे हैं और पुलिस बल इस कदर मुस्तैदी के साथ तैनात है कि ना कोई अंदर बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है और इसको लेकर भी छापेमारी कर रही टीम यहाँ से सभी कुछ मिल पाया है इसको लेकर अथवा अभी भी कहा जा रहा है कि पाना यहाँ पर मुश्किल हो गया है और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी मीडिया के सामने नहीं आए हैं और ना ही मीडिया को किसी प्रकार की जानकारी मिल पा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो उनके हवाले से खबर है कि इनकम टैक्स विभाग की टीम ने स्वामी के दस्तावेजों को कब्जे में लिया था और इससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि टीम की छापेमारी कार्रवाई कब तक चलेगी ये कह पाना अभी मुश्किल है और बहरहाल छापेमारी जो है वो कार्रवाई जो है उस कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।